राहुल गांधी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही हैं, नवीन पटनायक बोल रहे हैं, सोनू सूद बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड बोल रहा है। यहां तक कि पर्यावरण प्रोटेक्शन की पोस्टर गर्ल स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी बोल रही हैं, पर मोदी सरकार सुन ही नहीं रही। हम बात कर रहे हैं जेईई और नीट की होने वाली परीक्षाओं की। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से इन परीक्षाओं को टालने की मांग की जा रही है। वजह है कोरोना संक्रमण की महामारी, जिसकी वजह से लोगों को डर है कि परीक्षा हुई तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन सरकार के पास अपने तर्क हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। आइए आपको इन दोनों एग्जाम को कराने के लिए शिक्षा मंत्री के प्रमुख तर्कों का ब्यौरा देते हैं। तर्क नंबर एक, हम पर बहुत दबाव है। शिक्षा मंत्री ने दूरदर्शन के इंटरव्यू में कहा है कि इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए छात्रों और अभिभावकों का ही दबाव है। उनके मुताबिक भारी संख्या में लोगों ने मांग की है कि आखिर कब तक स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इसे विस्तार से नहीं बताया कि आखिर ये मांग उनसे किस प्लेटफॉर्म पर की गई, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ट्रेंड खंगालेंगे तो एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट का ट्रेंड चल रहा है। लगता है मंत्री जी ने ये ट्रेंड नहीं देखा। तर्क नंबर दो, 80% स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। ये भी एक अजीब तर्क है। शिक्षा मंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले 80% स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। अब कोई शिक्षा मंत्री इसे पूछे कि स्टूडेंट्स के सामने कोई दूसरा विकल्प सरकार ने दिया भी है क्या जो वो ये काम ना करें। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक कह रहे हैं कि उनके राज्य के 50,000 छात्रों का परीक्षा केंद्रों तक जाना घातक हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भी यही तर्क है। महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे यही बात कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री से कौन अभिभावक इस संकट की घड़ी में परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि योगी सरकार कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव को टालने के मूड में है। आप कोई सरकार से पूछे कि अगर चुनाव टल सकते हैं तो परीक्षाएं क्यों नहीं। ऐसी ही और भी हमारे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।